मैंने रज़ाई ना धूप में डाल दिया है दोनों, और बाद बाकी का काम मैं कर रही हूँ। दीदी अपना काम करके चली गई है, और अभी माधव को सुलाया था मैंने, तो माधव सो के उठा है अभी। और अभी मुझे खाना भी बनाना है, नहाना भी है, पूजा भी करना है, काफ़ी सारे काम हैं। दीदी के जाने के बाद मेरा काम शुरू होता है, इधर उधर के छोटे मोटे काम, तो वो बहुत सारे हो जाते हैं। तो देखो मैंने बिस्तर को भी प्रॉपरली साफ़ कर दिया है, और अभी नीचे भी कुछ कपड़े हैं उनको भी मतलब तह लगाने हैं, कुछ कपड़े धोने भी हैं, बाहर मैंने धो के डाल भी दिए हैं। इधर देखो बंदर आया है, इसको मैं ना खाने के लिए देती हूँ, तो इसलिए यहाँ ये रोज़ हमेशा यहीं आता है। तो वो दिया है लेकिन ये खा नहीं रहा है। डफी देख रहा है, डफी हाय हाय। इसको ना साफ करना है, नहीं तो ना ये सबके पैर में लगेगा, तो यो पाइप लगा के साफ कर दूंगी। और देखो मेरा जो ये मैक्सी है ना, ये देखो कितना सारा फट गया है। मैं लेके आई थी ना लकड़ी, तो लकड़ी की वजह से काफ़ी सारा फट गया है। देखो हमारे घर पे आ रही है बेल का पत्ता तोड़ने, पता नहीं है चल गया पता। तो मेरे हस्बैंड आ गए हैं चिकन लेके, और आज दोपहर को बनेगा चिकन घर में। तो दोपहर में चिकन खाने का अलग ही मज़ा है। इधर ना मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही थी कि देखो मेरा मैक्सी ना फट गया है, मतलब मैं लकड़ी लाने गई थी ना अभी बहुत सारा, तो पीछे से ना मेरे हस्बैंड ने लकड़ी निकाला, काफ़ी लकड़ी है, तो हम लोगों ने पीछे से लकड़ी निकाला, और मैं आधे रास्ते तक मेरे हस्बैंड लेके आए थे और आधा मैं मतलब अंदर मैं लेके आई हूँ, और वो अंदर लाते वक्त ना पूरा मैक्सी मेरा फट गया। तो कोई ना यार, और फटते फटते ना बहुत दूर फट गया यार, थोड़ा सा फटा था, फिर बैठते बैठते बहुत सारा मतलब फट गया है मेरा मैक्सी। अब मैं क्या करूं यार। और इधर ना मेरा चूल्हा भी नहीं जल रहा था, देखो कितनी बार मैं कढ़ाई को हटा रही हूं, और इधर जब जलता है ना तो प्रॉपरली जलता है वो, जब वो एक कहावत है ना, जब भगवान देता है पूरा छप्पड़ फाड़ के देता है, जब नहीं देता है तो एकदम नहीं देता है। तो मेरा चूल्हे का भी वही सीन है, जब आग लगती है ना तो बहुत तेज़ आग लगती है। पे बेर सूखने के लिए दिया है, और यहाँ पे मैं अपना कर रहा हूँ काम, और यहाँ पे देखो एक बंदर के? इसको बुला रहे, कुछ खाना दे रहे शायद पड़ोस वाले। इसका ना एक हाथ नहीं है, इसलिए सब लोग इसको मतलब खाना वाना देते हैं। तो मिनी यहाँ पे धूप सेक रही है, इसको अगर मैंने बुलाया ना तो आ जाएगी यहाँ पे। मिनी मिनी आए 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 ना, उसको मज़ा आ रहा है धूप में। और देखो निक्की यहाँ पे खाना बना रही है चूल्हे पे, बन रहा है चिकन आज। और यहाँ पे ना बैठने में बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ पे धूप है, थोड़ा सा ऊपर देखो नज़ारा भी बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे दो चार मतलब फूल के पेड़ भी है, बहुत लोग फील कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे बैठ के कितना अच्छा लगता होगा। जब यहाँ पे हम लंच करते हैं ना तो अब तो और भी अच्छा लगता है, ठंड में अच्छा खासा धूप है। अभी मतलब माधव सोया है, तभी अपना मैं काम कर पा रहा हूँ, और निक्की भी खाना बना पा रही है। अगर माधव उठ गया तो या तो मेरे को काम करना बंद करना पड़ेगा, या तो निक्की को खाना बनाना बंद करना पड़ेगा, इसलिए फटाफट से भी हम काम निपटाते हैं अपना अपना, उसके बाद फिर माधव उठ जाएगा, फिर अपना लंच करेंगे। देखो मिनी सो गई,
ये भी धूप में आनंद ले रही है। और चूल्हे में चिकन ना मेरे को बार बार खाने का मन कर रहा था, बहुत अच्छा लगता है बहुत ही ज़्यादा। और मैंने नहा लिया है, पूजा भी कर दिया है, अभी टाइम 1:15 बज गया है, टाइम हो जाएगा खाते खाते। अभी थोड़ी देर के बाद रितु आएगी, मतलब फास्ट फूड लेके, क्योंकि उसका एक फ्रेंड का बर्थडे था ना आज, तो सेलिब्रेट किया था, तो साथ साथ मेरे लिए भी कुछ ना कुछ लेके आती है। मतलब उसका किसी भी बेस्ट फ्रेंड या किसी का भी बर्थडे होता है ना, मेरे लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लेके आती है वो। और कोई ना, और मैंने भी गिफ्ट दिया था रितु के हाथ भेज दिया था, क्योंकि मैं तो जा नहीं पाऊँगी माधव को छोड़ के, जाऊँगी तो माधव को लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो उसके पापा के पास छोड़ के जाना पड़ेगा। कटपटी का मज़ा लेते हैं धूप में बैठ के। तो देखो मेरी सासू माँ ने ना मेरे लिए बेर भेजा है। मैंने बोला था कि मेरे साथ बेर भेजना, और ये बेर भेजा है देखो खरीद के। ये जूता ना हस्बैंड का जूता कुत्ता ले जा रहा था कल, बताओ कितना महंगा जूता है। और ये जूता कल कुत्ता लेके जा रहा था, मैं यहाँ रखा था ना वहाँ। मेरा कपड़ा फटते फटते कितना दूर फट गया है यार। तो अभी थोड़ी देर के बाद ना हम जाएंगे सितारगंज, वो तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा, क्योंकि हस्बैंड को जाना है बैंक और मेरे को खरीदना है एक जूती। तुमने वो भूट करके रख दिया तो वो सूखेगा कैसे ये बताओ पहले मुझे। ऐसी सूखे ना, उठाओ सीधा करो, भयंकर ऐसा दिन छू गए जो। तो कल ही रखा, परसों रखा है, सूखेगा तो अपने आप नीचे गिर जाएगा। हाँ सूखेगा कैसे, ये अभी भी गीला है। ओ, ये वाला पेड़ ना मर ही गया, क्या पता नीचे से तल्ले निकल जाए। आते आते। कुछ करो मत, पानी डालते रहो, क्योंकि ना ये बहुत एक मनपसंद का एक पेड़ था इनका। कोई ना फिर लेकर आएंगे। क्या करने पे आता है यहाँ पे, जब वो करेंगे ना क्या फर्श करेंगे, ये वो छोटा सा गड्ढा रखेंगे और ये वाला पेड़ यहाँ से चढ़ा देंगे ऊपर। बढ़िया, चल शाप को ढक पे, अच्छा लगेगा। यहाँ से चढ़ाओ उधर से चढ़ाओ, हाँ वहाँ कहीं पे भी चढ़ाओ, लेकिन चढ़ाई अच्छा लगता है काफी। इतना मजा मार के सो रही है यहाँ बैठ बैठ के, तो मैं ही खत्म कर दे रही हूँ। और मेरा हाथ देखो गाइस, चूल्हे में खाना बनाने का नतीजा।